আজ মাওলানা আজাদ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ जो हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ आजादी के क्रांतिकारी थे, हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, आज उनकी जयंती है। आज उनका इंतकाल हुआ था 1958 में। जानते हैं ये क्या कौन शख्सियत है? ये वो शख्सियत है जो हिंदुस्तान के बंटवारे का सब में बड़ा मुखालिफ था। ये वो है मौलाना आजाद जिन्होंने हमेशा हिंदुस्तान को बंटने से रोका था। आज उनका इंतकाल हुआ, थोड़ा उनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने दिल्ली की जामिया मस्जिद से एक तकरीर की थी, अपील की थी इन्होंने सारे मुसलमानों से कि मुसलमानों पाकिस्तान मत जाओ, हिंदुस्तान हमारी जमीन है, हम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, हम इसी मिट्टी में बने हैं। तो हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों ने उनकी सदा को लब्बैक कहते हुए वापस हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया। वी आर सिटीजंस ऑफ दिस नेशन नॉट जस्ट बाई बर्थ बट बाई चॉइस ऑल्सो। इन्होंने अपनी बातों में एक बात कही थी जो आजकल बड़ी चर्चे में है। एक अल्फाज, एक वर्ड यूज किया इन्होंने, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। ये वैसे तो बहुत अच्छी चीज है, हम सब राष्ट्रवादी हैं, हम सब पेट्रियट्स हैं, हम सब नेशनलिस्ट हैं, मगर इन्होंने कहा था कुछ ऐसे लोग होंगे जो बड़ी ही छोटी सोच लेके राष्ट्रवाद को जोड़ेंगे। इन्होंने खबरदार किया था पूरे हिंदुस्तानियों को ऐसी छोटी सोच के राष्ट्रवादियों से बच के रहना, ऐसी छोटी सोच के राष्ट्रवादियों से बच के रहना यह मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। तो पढ़ते पढ़ते मुझे एक न्यूज मिली कल की, ये जो वाहियात तंजीम है जिसने फितना फसाद पैदा कर रखा है हिंदुस्तान में, आरएसएस का जो सदर है मोहन भागवत, उसने भी कह दिया कि मैं राष्ट्रवाद का इस्तेमाल मत करो, राष्ट्रवाद का इस्तेमाल मत करो क्योंकि ये फासीवाद से जुड़ा हुआ है, ये फासीवाद से जुड़ा हुआ है। अब मैं पंडे लगा कि भाई ये राष्ट्रवाद तो समझ में आ गया, यह फासीवाद क्या चीज है आखिर, ये फासीवाद क्या चीज है जिसको जावेद अख्तर ने जो है ना किसी को कह दिया। अब मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, यहां पे नाम लिए तो बड़े परेशानियां हो रहे हैं आजकल, तो क्यों हिमाकत करके नाम ले। जावेद अख्तर ने हाल ही में किसी को फासीवाद कह दिया, तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ते हैं फासीवाद के बारे में। जब मैंने पढ़ा तो सोचा कि बिलाल बाग के लोगों को भी बता दूं कि आखिर फासीवाद है क्या चीज, यह फासीवाद आखिर है क्या चीज। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में फासीवाद हो गया है, तो चलिए पता करते हैं कि फासीवाद आखिर है क्या चीज। फासीवाद, फैसिज्म एक तरीका है, एक सियासी तरीका है जिससे इख्तदार को हासिल किया जाता है, पावर को हासिल किया जाता है और पावर को रिटेन किया जाता है, इख्तदार यानी पावर को रिटेन किया जाता है। फासीवाद एक बीमारी है। ये यूएस यूनाइटेड स्टेट्स की एक बहुत मशहूर और मारूफ खातून गुजरी है, जब उनसे पूछा गया कि फासीवाद क्या है तो उन्होंने कहा यह मुल्कों के लिए एक बीमारी है, एक बीमारी है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं यह क्या चीज है, आप लोग ही तय कीजिए कि यहां पर क्या फासीवाद लोग है या नहीं। फासीवादी ताकतें क्या चाहती है, ये सिर्फ इख्तदार को हासिल करना चाहती है, उस पर कायम रहना चाहती है। ये काम कैसे करता है फासीवाद का तंबू जो है, फासीवाद का तंबू कई बंबुओं पे खड़ा है और इसका जो मेन बंबू है, ये तंबू है, इसके कई बंबू है, इसी तरह फासीवाद का जो तंबू है कई बंबुओं पे खड़ा है। जो मेन बंबू होता है वो होता है एक आदमी, एक आदमी
गौर कीजिए, मैं औरत नहीं कह रहा हूं, आदमी कह रहा हूं, क्योंकि फासीवाद को चाहिए होता है एक आदमी, उनका हीरो, उनका हीरो। फासीवाद को कायम करने के लिए पहला जो मेन कैरेक्टर होता है वो है हीरो। तो फासीवादी ताकतें एक हीरो बनाती है, एक हीरो बनाती है। कैसे बनाती है हीरो को? उसी तरह जिस तरह फिल्मों में हीरो बनता है। तो एक आदमी को लाके ये खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं, देखो ये आदमी हीरो है, ये आदमी हीरो है, ये जमीन से जुड़ा हुआ है, ये गरीब है, ये गरीबों की मदद करता है, ये गरीबों के लिए लड़ता है, जुल्म और सितम के खिलाफ लड़ता है। तो फासीवादी ताकत पहले क्या करती है, एक हीरो बनाते हैं। अब हीरो बन जाता है, हीरो को चाहिए क्या? हीरो रहने के लिए उसको चाहिए होता है एक मकसद, एक मकसद, एक पर्पस चाहिए होता है। तो फासीवाद में, फासिज्म में जो मकसद का इस्तेमाल होता है वो है राष्ट्रवाद। क्या है वो? राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, इसका इस्तेमाल होता है। फासीवादी लोग का लोग राष्ट्रवादी नहीं होते हैं, बस राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये जो फासीवाद के तंबू का दूसरा बंबू, राष्ट्रवाद, एक मकसद। ये बोलते हैं लोगों को, अवाम को बोलते हैं, देखो हमारा मुल्क कैसा था, देखो हमारा मुल्क कैसा था, कितना अच्छा था, कितना अच्छा था, हमारा राष्ट्र कितना अच्छा था, देखो कितना अच्छा था, 10 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले। ये एक मस्नूई, एक कहानी बनाते हैं देश के बारे में, कैसा था कैसा था। अब भाई देश के बारे में अगर आप बोलोगे तो मुझे तो जज्बा आएगा ही, मुझे जज्बा आएगा। मेरे देश के बारे में अगर आप बोलोगे तो जज्बा आएगा, कैसा था, वाह वाह बहुत अच्छा था। उसके बाद ये बोलेंगे, कैसा था, कैसा हो गया, देखो कैसा हो गया, हाय हाय कैसा हो गया। अब जज्बा जो था वो गुस्से में तब्दील हो जाता है, वो गुस्से में तब्दील हो जाता है। जाहिरी बात है अगर मेरा देश को नुकसान हो रहा है तो मुझे तो गुस्सा आएगा ही, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। अब ये एक तंबू हीरो, एक बंबू तंबू का हीरो, दूसरा हो गया मकसद। अब हीरो को क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? वेलन। क्या चाहिए? वेलन। तो ये एक वेलन को तैयार करते हैं। उमूमन फासीवादी ताकतें जो वेलन को तैयार करती है वो या तो एक सियासी जमात होती है, या फिर एक मजहबी जमात होती है, या फिर एक जबान के ऊपर एक जमात होती है। जो दुनिया का सब में बड़ा फासीवाद था वो था हिटलर, वो था हिटलर। हिटलर ने वेलन बनाया यहूदियों को। उसका उससे पहले जो सब में बड़ा फासीवाद था वो इटली का मसलोनी। मसलोनी ने वेलन बनाया सोशलिस्ट पार्टी, एक सियासी जमात को, एक सियासी जमात को। ये लोग क्या करते हैं, अब जब वेलन बन जाता है तो हीरो बोलता है, देखो देखो देश का जो मेरा हाल था वो इन्होंने कर दिया, इन्होंने खराब कर दिया। अब जाहिरी बात है जो जज्बा था, जो गुस्सा था, वो किस पे निकलेगा? वो वेलन पे निकलेगा, वो सियासी पार्टी, वो मजहबी जमात पे निकलेगा, वो मजहबी जमात पे निकलेगा। ये है फासीवाद का तीसरा बंबू। अब ये हासिल कैसे करते हैं, कैसा लोगों को वर्गलाते हैं, कैसा लोगों को जज्बे में लाते हैं? जो सब में अहम बंबू है फासीवाद के तंबू का, वो है मीडिया। मीडिया, मीडिया को फासीवादी ताकतें खरीद लेती हैं। मीडिया को फासीवादी ताकतें खरीद लेती हैं 2400 घंटों मीडिया के जरिए, चैनल्स के जरिए, न्यूज़पेपर्स के जरिए। ये मीडिया के जरिए लोगों को बात पहुंचाई जाती है, देखो ये है हमारा हीरो, देखो ये है हमारा वेलन, देखो इन्होंने कितना नुकसान किया। मीडिया रात और दिन झूठ बोलकर, बोलते बोलते 2400 घंटों लोगों के दिमाग में झूठ 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 और सिर्फ झूठ डालती है। और नतीजा ये होता है कि अवाम उस वेलन को पीट पाट देती है।
ظاہری طور پہ نہیں, ہاتھوں پیروں سے نہیں, مگر الیکشن کے ذریعے ہر طرف سے جو ہے نا یہ ویلن کو خراب کر دیتی ہے, مار دیتی ہے. یہ مصنوعی ہیرو, یہ میتھیکل ہیرو, یہ میتھیکل راشٹرواد, یہ میتھیکل ویلن اور یہ بکاؤ میڈیا مل کر فاسی واد بنتا ہے. فاسی واد کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ لڑائی اور جھگڑے کو پوزیٹو ایک اچھے انداز میں دکھاتے ہیں. مارم پیتی کو یہ, وائلنس کو یہ ایک اچھے انداز میں دکھاتے ہیں, یہ کنڈم نہیں کرتے. اور یہ فاسی وادوں کو ہمت کہاں سے ملتی ہے؟ کیا قانون نہیں ہوتا ہے ان کے خلاف؟ ہوتا ہے, مگر میڈیا کے بعد یہ جاتے ہیں اداروں پہ, انسٹیٹیوشنز پہ. یہ اپنے میڈیا کو تو خرید سکتے ہیں, حکومت کے اداروں کو کیسے خریدیں گے؟ تو یہ کیا کرتے ہیں, جیسے ہی اقتدار میں آتے ہیں, کورٹس میں, جوڈیشری سسٹم میں, یونیورسٹیز میں یہ اپنے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں. جب اپنے لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو تم کچھ بھی کر لو, سات خون معاف. تم کچھ بھی کر لو, سات خون معاف. تو یہ ہے فاسی واد. میں کسی حکومت کو فاسی واد نہیں بول رہا, میں کسی شخصیت کو فاسی واد نہیں بول رہا, میں نے بس فاسی واد کا خلاصہ کیا جو عموماً تاریخ کار اس کے بارے میں بتاتے ہیں. آپ لوگ باشعور لوگ ہیں, سمجھ لو کیا سمجھنا ہے. عقل مند کو اشارہ کافی ہے, عقل مند کو اشارہ کافی ہے. اپنا جو بہت ہی عزیز شعر ہے میں آپ لوگوں کے نام کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. روک لے ہمیں ہماری پرواز میں کسی میں دم نہیں, روک لے ہمیں ہماری پرواز میں کسی میں دم نہیں, ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. السلام علیکم.